बाप रे क्या बॉडी भाई नमस्ते। हाँ भाई थोड़ा बॉडी बनाना था भाई, थोड़ा हेल्प कर रहे ना। बॉडी चाहिए पहले बोल, किसके तरह बॉडी चाहिए, ऋतिक के जैसा, सलमान के जैसा या आमिर के जैसा? ओ ऐसा है, सबका अलग अलग। भाई मुझे ऋतिक के जैसा बॉडी चाहिए। दो महीने चलेगा क्या? अगर एक महीने में हो सकता है तो कर लीजिए। ऋतिक के जैसा ये ठीक है, बन जाएगा भाई, कोई बात नहीं। कितना ऋतिक मार्केट में छोड़ा हूँ, कल ही एक छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गया। आप भाई जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस बॉडी आपके जैसा होना चाहिए। टेंशन मत ले, ऐसा एक टिप्स दूंगा तुझे ना। हाँ भाई मार्केट में घूमेगा बस, तुझे देखते रहेंगे लोग। ठीक है, ओके भाई ओके। चल दिन भर में 1000 टिप्स मार ले, ठीक है भाई? 1000 टिप्स? अबे ऐसा क्या डर रहा है, तुझे बॉडी चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, हाँ अगर बॉडी चाहिए तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुन, ठीक है? तू खड़ा रहे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख के रख। अब है ना तेरे पास नोट पैड? नंबर वन, दिन भर में 1000 टिप्स तुझे लगाना है, ठीक है? नंबर टू, भगवान के पास हनुमान चालीसा बोलना है, ठीक है? नंबर थ्री, डंबल को पास में रख के सोना है, ठीक है? जब भी मन करे तो एक्सरसाइज कर देना है, ठीक है ना? ये तो तीन टिप्स मैंने बताया, ये रामबाण है, इसको अगर तू कर लिया ना तेरा बॉडी एक महीने में, एक वीक में बन जाएगा, ठीक है? और भाई डाइट के बारे में कुछ बता दो, नोट्स देखना पड़ेगा, मैं बच्चों को क्या डाइट देता हूँ वो देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ये मैंने आर्नोल्ड को दिया था, ये तेरे लिए सही रहेगा। लिख, 1 kg टमाटर, 1 kg प्याज, 1 kg आलू, 1 kg चीनी, 1 kg राइस, 1 kg आटा, 1 kg बनाना, 1 kg टमाटर। भाई मैंने आपको डाइट के बारे में बोलने के लिए बोला, आप तो क्या घर का राशन बोल रहे? अभी ये जो बताया मैंने ये बिल्कुल देसी डाइट है, इसको अगर खाया ना भीम के समझ जाएगा भीम। ठीक है जा, तू आज से लग जा, काम से लग जा। ठीक है भाई आज से मैं काम में लग जाता हूँ। चल एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ। ट्रेनर ने बोला था कि डंबल को पकड़ के सोना, ठीक है? इसको यहीं पर पकड़ के सो जाता हूँ, और कौन बेड पे जाएगा? ट्रेनर ने बोला था 1000 टिप्स लगाना है, शुरू करता हूँ। अबे 10 में ही रुक गया, और तो बहुत लगाना है, क्या करूं, बॉडी तो बनाना है एक महीने में। सो लेता हूँ फिर उठ के मारता हूँ। बॉडी तो नहीं बनेगी एक महीने में, 1000 लगाना है डिप्स। प्रोटीन ले लो, प्रोटीन प्रोटीन ले लो भाई, प्रोटीन 1000 में दो, एक डब्बा एक खुला ले लो भाई, प्रोटीन ले लो, देसी प्रोटीन ले, फुल देसी, फुल देसी 100% गारंटी भाई ले लो। ये एक प्रोटीन को 1000? अबे मैं क्या गांव से आया हूँ क्या? अबे मैं भी जिम करता हूँ, बॉडी देख, सिक्स पैक बॉडी है। नहीं भाई ये 1000 का है भाई, दो है, एक के साथ एक फ्री, एक डब्बा वाला एक खुला वाला। भाई आगे का दुकान में जो मिल रहा है वो सब फेक प्रोटीन है सर, उसमें मिलाया हुआ है कुछ। ये भाई शेर का प्रोटीन है, इसके साथ हाथी का प्रोटीन फ्री। शेर का प्रोटीन है, इसके साथ हाथी का प्रोटीन फ्री। अबे आजकल हाथी और शेर के दूध से भी प्रोटीन बनता है? मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए 400, ठीक है आपके लिए 400 ही। फुल देसी है, बॉडी आपका एक महीने में बनेगा, ये मेरा गारंटी है, लिख के ले लो। लो भाई बॉडी अच्छी होनी चाहिए बस, 100% काम करेगा। तो अबे इसमें कुछ स्टेरॉइड वगैरह डाला नहीं तो? नहीं भाई मिलावट नहीं है, बिल्कुल स्टेरॉइड फ्री है, मेडिसिन फ्री है, सब फ्री है भाई।
प्रोटीन फ्री है ये भाई। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोटीन प्रोटीन है इसमें और सब फ्री है भाई, काम करेगा। मगर मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल देसी प्रोटीन है, इसलिए आपको दिन में 10 बार खाना पड़ेगा और इसको आपको भगवान के पास रख के पूजा करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, आपको ये खाना तो है मगर बॉडी पे लगाना भी है, ठीक है। ये सब करूंगा, ये काम करेगा, तो नहीं करेगा तो ये प्रोटीन जाके तेरे दुकान में लौटाऊंगा और तुझसे डबल पैसा लूंगा, ठीक है। प्रोटीन मिल गया मुझे सस्ते में, 400 रुपए में मिल गया, मुझसे लूट रहा था। अब होगा बॉडी हेल्दी, रोशन के जैसा बॉडी बनेगा। आज जिम करूंगा और ये लोहा को तोड़ूंगा। प्रोटीन खाने के लिए भूल गया, प्रोटीन गिर गया, प्रोटीन प्रोटीन देसी बाबा का प्रोटीन है। कहाँ गया? एक दो तीन चार पांच छह सात। अरे मैं तो भूल गया, उसने कहा था कि प्रोटीन का पूजा करना है, अगर पूजा नहीं किया तो काम नहीं करेगा, पूजा करना पड़ेगा। हे प्रभु इस बार बॉडी बन जाए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रोटीन देवता मेरा बॉडी बन जाए, हे प्रोटीन देवता मेरा बॉडी बन जाए, हे प्रोटीन देवता। बाबा ने बोला था सोने से पहले प्रोटीन को बॉडी में लगाना है, ठीक है, प्रोटीन इससे काम बन जाएगा, अब तो बॉडी बनेगा। यहीं पे सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के प्रोटीन का पूजा करना है, ठीक। इतना दिन प्रोटीन खा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, भगवान के पास पूजा भी कर लिया, बॉडी नहीं बना उतना। वो मुझे फेंक तो नहीं दे दिया, एक काम करता हूँ उससे लौटा देता हूँ और उससे डबल पैसा ले जाता हूँ, ठीक है, चलते हैं। अबे यही तो बैठा था वो प्रोटीन वाला, कहाँ गया साला, भाग नहीं गया तो? किसको पूछ लेता हूँ। भाई यहाँ पे एक प्रोटीन वाला बैठता था, यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उससे प्रोटीन लिया था बस, कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन बॉडी नहीं बन रहा है, जैसा बॉडी था वैसा ही बॉडी। हाँ यहाँ पे रामू बैठता है, मगर वो तो प्रोटीन नहीं बेचता है, वो तो गाय के लिए और बकरी के लिए दाना बेचता है। गाय के लिए और बकरी के लिए दाना बेचता है, क्या आप वो ले लिए क्या? टू थ्री, अबे 7 बज रहे हैं, ये रोहित क्यों नहीं आया है? फोन करता हूँ उसे। राहुल। हाँ भाई बोल। अरे भाई आज जिम नहीं आए क्या? बस 7 बज रहे हैं। सॉरी भाई आज जिम नहीं जा सकता भाई, आज थोड़ा होमवर्क है मेरा स्कूल का। सॉरी भाई कल जाएंगे, ठीक है जाएंगे। ओके ठीक है, होमवर्क कर ले, कल वर्कआउट करते हैं। आज चेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। अबे ये फिर रोहित आज भी नहीं आया अब तक, और पार्टनर नहीं होगा तो वर्कआउट कैसे होगा? फोन लगाता हूँ। ये कौन फोन किया? राहुल मार देगा मुझे। हेलो। अरे भाई आज चेस्ट लगाएंगे, कितने बजे पहुँच रहे? हाँ भाई आज जिम जाने वाला था, मगर मेरा मम्मी ने मेरा चड्डी धो दिया है। क्या क्या करो भाई, एक ही चड्डी था। अबे मम्मी को बोल स्पेयर पे एक चड्डी रख दे। कल जाता हूँ, ठीक है ठीक है, कल आ जिम, कल मिलकर वर्कआउट करते हैं। अबे ये आज फिर भी जिम नहीं आए, इसका कुछ करना पड़ेगा। मार था उसे, पागल हो गया जिम जाने के लिए, बेकार आदमी, फिर क्या बहाना बनाऊँ। हेलो भाई रोहित आज जिम आएगा या नहीं? भाई क्या हुआ ना, कल मेरा थोड़ा पेट खराब है, कल थोड़ा उल्टा सीधा खा लिया था, तबीयत खराब है, जिम नहीं जा सकता, ठीक है कल जाएंगे, कल जाएंगे वर्कआउट करेंगे। नहीं बस मैं तो आज यही बोलने वाला था कि आज जिम पे जूली आइए। जूली आइए क्या?
भाई वो क्या बोल रहा था कि मैं मेडिसिन खा लिया, अभी थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है और जिम थोड़ा जाऊँगा तो तबीयत ठीक हो जाएगा। तू वहीं रुक, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ, ठीक है? तू वहीं रुक, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ, ठीक है? क्या पहुँच रहा है अभी? ठीक है यार। अब चूहा बिल से निकला। ओह कितना ठंडी है, किधर गई किधर गई? अबे जिम पे आया है, वर्कआउट कर, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे बस जूली को ही ढूंढ रहा था। मैं तो ऐसा ही बोल दिया था। क्या तू सच में समझ लिया क्या? ठीक है वर्कआउट कर। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिए और हमारे चैनल के साथ देखते रहिए फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाइट प्लान जानने के लिए। दोस्तों मैं हमेशा वर्कआउट प्लान देते आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा, मगर बीच बीच में मैं ऐसा कॉमेडी वीडियो भी आपके साथ लेके आऊँगा ताकि आप भी एंटरटेनमेंट हो और मुझे भी अच्छा लगे कि अब मेरा जो ऑडियंस है वो भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे, फिर तक हेल्दी रहे, फिट रहे, मसल्स ग्रो करता रहिए, आप्स भी बनाता रहिए।